Let me be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one. Hello guys, welcome back to my new vlog. मैं हूँ परवेज और मैं आज जा रहा हूँ नेक्सस सीउड्स मॉल. ये मॉल जो है कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और हम लोग इसके अंदर दो से तीन जगह पे जाने वाले हैं. तो गाइज जब तक आप इस मॉल का ना फ्रंट एंट्री जो है एंट्री एरिया कैसा है वो आप लोग देख सकते हैं. गाइज हम लोगों ने ना एंट्री कर ली है मॉल के अंदर. तो जैसे हम लोग अंदर आते हैं ना तो हमको गाइज बहुत बड़ा मैदान दिखता है क्योंकि इसके अंदर ना ग्राउंड फ्लोर में ही बड़ा सा एरिया है जहाँ पे ऑडिशन होते रहते हैं, यानी बड़े बड़े एक्टर इस मॉल में आते हैं. वैसे आप लोग को बता देता हूँ इस मॉल का ना आज 7th एनिवर्सरी था, यानी ये मॉल 7 साल इस मॉल को पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कारें हैं जो सेल करने के लिए लगाई गई हैं. वैसे इन कार का नाम तो मुझे आइडिया है नहीं, पर ये जो भी ये बड़ी महंगी कार है और ये जो बाइक है ना ये एक ऑफ़र में लगाया गया है. यहाँ पे 7500 का परचेज करते हो कुछ भी. वैसे ये कुछ लिमिटेड टाइम तक का है, परमानेंट नहीं है. तो यहाँ पे कुछ कूपन मिलते हैं, उनमें हो सकता है आपको बाइक भी मिल जाए. गाइज हम लोग आ चुके हैं सीउड मॉल के टॉप फ्लोर में और यहाँ पे हम लोग को मिलता है एक टॉय ट्रेन जो बच्चों के घूमने के लिए काफ़ी बढ़िया है. 100 रुपीज़ का इसमें टिकट लगता है और आप लोग मस्त पूरा मॉल इसके थ्रू एंजॉय कर सकते हैं. सीउड मॉल में ही आप लोगों को यहाँ पे एक और गेमिंग जोन मिलता है जहाँ पे 300-400 रुपए ऐसा अमाउंट दे के यहाँ मस्त आराम से आप गेम खेल सकते हो. ऐसा फील होगा आपको कि उस जगह पे आप खुद हैं. तो ये भी आप एक एंजॉय करने का ऑप्शन है, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं. वैसे गाइस सीउड मॉल में ना आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटी करने को, यानी नेमेको में आपको मिल जाती है. और इसके साथ साथ अगर आप बच्चों को घुमाना चाहो यहाँ पे घुमाने के लिए सारी चीज़ें हैं और आपकी शॉपिंग के लिए भी सीउड मॉल में बढ़िया से ऑफ़र लगे रहते हैं अक्सर. तो यहाँ पे भी आप लोग आके देख सकते हो और ले भी सकते हो. इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपके बच्चों को घूमने के लिए भी हो जाएगा और आपका शॉपिंग सेंटर में भी आराम से इंजॉय हो जाएगा आपका. एंड के सीउड मॉल में आप लोगों को सेल्फी पॉइंट भी मिल जाता है, गार्डन करके एक जगह जहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट है. एंड गाइस वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि मॉल के 7th ईयर कंप्लीट हो गए हैं,
जिस वजह से मॉल मैनेजमेंट ने जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे थे ना, उन सब लोगों के लिए रोजा अफ्तार के लिए एक पार्टी रखा था। तो वहाँ पे सभी लोग, मॉल के जितने लोग थे ना, सभी लोग यहाँ पे रोजा खोलने आए, तो मैं भी आया था। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप यहाँ का भी ले लिया था। तो आप लोग, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये है अयूब, ये कुछ कहना चाह रहा है आप लोगों से, तो ज़रूर इसका भी आप रोजा रोजा नहीं रखता यार, ये दोनों भी रोजा नहीं रखता है। एक रोजेदार मैं ही है जो रोजा रखता है, इसके लिए आया है, बाकी सब खाने वाले ही हैं।